हेलो, वेलकम थोड़े अपने चैनल मेहनती बच्चे च। सो अज की वीडियो मैं थोड़े गुड न्यूज़ देने दे बनाई है। सब तो पहला तो जोड़े बच्चों ने चैनल में सबसक्राइब नहीं किया, सबसक्राइब करो तो बैल आइकन टैप करो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन थोड़ा टाइम टू टाइम मिलती रहन। आने वाले टाइम के मैं थोड़े लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ लैके आने वाली हैं। सो गुड न्यूज़ यह है कि PPSC ने फाइनली बच्चों थोड़ा खुश करता, थोड़ा नहीं बहुत खुश करता। ठीक है, अपने कोल मैं थोनों दसिया ही सी कि 34 पोस्ट आईया सी सीनियर असिस्टेंट दियां जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन दे विच सी। हुण इन्हां ने 56 पोस्ट होर इहदे विच ऐड करती हैं जिहड़ियां कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू दे अंडर आनगियां, यानी कि सीनियर असिस्टेंट दियां जिहड़ियां टोटल पोस्ट हो गईयां वह किन्नियां हो गईयां 90। ओके, पहली गल इह। हुण ऐसा डाउट बहुत बच्चों नूं आ रहा होगा कि इहदे लई दुबारा तो अप्लाई करना पवेगा। ठीक है, भी जिहड़े ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं कि ये वाली पोस्ट लई फिर अप्लाई करना पवेगा कि नहीं। हुण देखो इत्थे इन्हां ने साफ साफ लिखा होया है कि जिहड़े बच्चे अप्लाई कर चुके हैं या जिन्हां ने हले अप्लाई करना है, ठीक है, अमेंडमेंट तो बाद, उन्हां नूं अलग अलग अप्लाई करन की कोई जरूरत नहीं हैगी। अगर एक बार तुसीं अप्लाई करोगे तो दोनों पोस्ट लई तुहाडा एप्लीकेशन मन्या जाऊगा। ठीक है, हुण इह डिसाइड किवें होगा कि तुसी केड़ी पोस्ट दे विच जाना है, ठीक है, कोऑपरेशन च जाना है या डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू च जाना है। यह जिहड़े भी रिटन टेस्ट होगा वह तो बाद जिहड़ी मैरिट बनूगी, ठीक है, काउंसलिंग दे टाइम ते उहदे बेसिस दे उपर यह डिसाइड किया जाऊगा कि केड़ा डिपार्टमेंट तुहानू मिलदा है। ठीक है, पहला डाउट क्लीयर आई थिंक सब दा। हुण सैकेंड गल करते हैं कि ये केड़े देखो डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन की तो मैं थोड़ा अलग अलग कैटेगरी वाइज दसदा से कितनी पोस्टा ने। ठीक है, टोटल 34 है। हुण 56 जिहड़ियां पोस्ट नवीं कढ़ी इन्हां नूं देखदे इन्हां ने किवें डिवाइड किया अलग अलग कैटेगरीज़ दे विच। जनरल दियां 27 ने, ठीक है, उस तो बाद जिहड़े ESM LDESM है उन्हां दे लई 4 ने, उस तो बाद फ्रीडम फाइटर पंजाब 1 पोस्ट, स्पोर्ट्स दे लई स्पोर्ट परसन दे लई 1 पोस्ट, फिजिकली हैंडीकैप दे लई 2 पोस्ट ने, स्कैड्यूल कास्ट के लिए 5 पोस्ट ने, स्कैड्यूल कास्ट ESM LDESM वाले 1 पोस्ट है, स्कैड्यूल कास्ट जिहड़े स्पोर्ट्स परसन ने उन्होंने 1 पोस्ट है, उस तो बाद बाल्मीकि महजबी सिख उन्होंने 6 पोस्ट है। ठीक है, बाल्मीकि महजबी सिख ESM LDESM उन्होंने 1 पोस्ट है। उस तो बाद नैक्सट है जिहड़े बैकवर्ड क्लासेस नूं बिलोंग करते हैं उन्होंने 6 ने, बैकवर्ड क्लास ESM LDESM दे लई 1 पोस्ट है। सो मैं दसता है किवें डिवाइड किया गया। हुण आपां गल करते हैं नैक्सट। देखो वैसे मेरी एक वीडियो है सीनियर असिस्टेंट ते, ठीक है, जिहड़ी मैं पहला अपलोड की सी जदों मैं ये वाली पोस्ट बारे दस्या सी, उस च एजुकेशन क्वालिफिकेशन की है, पेपर का पैटर्न कैसा रहूगा, एज की चाहिए है, ठीक है, एज एलिजिबिलिटी की है, सॉरी एज एलिजिबिलिटी की है, वह सब, उस तो बाद लास्ट डेट ये भी दस देनी है, लास्ट डेट 20 फैब है फॉर्म नू फिल करन दे लई। ओके, सो 20 फैब का वेट ना करियो, फॉर्म नू तो पहला फिल करके पासे मारो। अज 13 फैब तो होगी, थोड़े जे दिन नहीं रह गए, ठीक है, सो इनू कर दो, वधिया मौका है। उस तो बाद जी मैं वीडियो की गल कर रही थी ये थोड़ा सारा मिल जूगा कि सिलेबस है, ठीक है, वो होगी एक वीडियो की गल जिद पेपर के रिगार्डिंग सारी इनफॉर्मेशन मिल जूगी, बेसिकली सारा कुछ सेम ही है वाला। उस तो बाद सैकेंड जी वीडियो है स्मार्ट वे वाली हैगी एक मेरी वीडियो, वो मैं ये दस्या हो कि तुसी ए वाले पेपर के लिए तैयारी किवें करनी है। ठीक है, स्मार्ट वे टू प्रिपेयर फॉर सीनियर असिस्टेंट करके वह नाम है, तो वो मैं सारा दस्या हो पूरा डिटेल कि टॉपिक्स पढ़ने हैं, किवें करना है, हर एक चीज़ उस एक्सप्लेनड है। सो वो वाली वीडियो भी देखियो। ओके, सो एक बार मैं थोनों जस्ट दिखा दिनी है, ये बेसिकली थोड़ा पैटर्न बारे मैं दस दिनी है। ठीक है, हाँ जी, ये बेसिकली की है, टोटल अपने जिहड़ा एग्जाम है दो फेजिस दे विच डिवाइड होया है, एक अपने कोल रिटन टेस्ट होगा, एक होना है टाइपिंग का टेस्ट। ठीक है, जिहड़ा रिटन टेस्ट है आ देखो ये 80 क्वेश्चन टोटल, 120 क्वेश्चन आने हैं, 80 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग दे, 40 क्वेश्चन आएंगे अपने GK दे। ओके, तो हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स है, ये थोड़ा 2 आवर्स 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा, तो कोई नैगेटिव मार्किंग नहीं है। हुण गल करिए टाइपिंग दी, टाइपिंग दे विच पंजाबी ते इंग्लिश दोनों दे विच टाइपिंग करनी है, ते इहदे विच किन्ने वर्ड्स टाइप करने हैं, 30 वर्ड्स पर मिनट। ओके, इहदे विच इह है। हुण देखो अगर मैं थोनों थोड़ा सिलेबस बारे, इन्होंने इन्ना लंबा चौड़ा दस्या होया है, इन्ना कुछ करन दी कोई जरूरत नहीं है, ये थोनों मेरी स्मार्ट वे टू प्रिपेयर फॉर सीनियर असिस्टेंट दे विच सारा पता लग जूगा भी इन्ने
टॉपिक्स जो किन्ने के टॉपिक्स पढ़ने हैं, 15 के टॉपिक्स हैं मेन जो थोड़े पढ़ने हैं, ठीक है। सो वो वाली वीडियो जरूर देखियो जो फस्ट टाइम ये वीडियो नू देख रहे हैं। तो सैकेंड गल हूँ अगर आप गल करिए जीके जीके दे विच देखो इन्होंने लिखा हुआ है इकोनमी, इकोनमिक इशूज मीनस इकोनमी आनी है, पॉलिटी आनी है, इनवायरमेंट होगी, साइंस होगी, वो तो बाद करंट इशूज हो गए, नैक्सट हिस्ट्री ऑफ इंडिया होगी, ठीक है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल नू मतलब रेफरेंस देना, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री होगी, ठीक है, वो तो बाद हिस्ट्री ऑफ पंजाब होगी। सो सॉरी जेडे PPSC वाले इन्हों एक नेचर है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नू बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं। सो मेरे चैनल दे उपर इनवायरमेंट साइंस पॉलिटी इन्हों दे अज तक जिन्हें भी PPSC दे एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है, वो जेडे क्वेश्चंस आए हुए हैं इंटर रिलेटेड जिन्हें भी टर्म्स हैं वो सारिया मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं, तो सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं तीनों, तो ये थोनों पुराने सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। ये तीनों थोनों अगर तुम वीडियोज़ भी देख जाने हो ना थोड़ा काफ़ी हद तक सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो हुण गल रह गई इकनोमिक्स की तो हिस्ट्री की। सो आने वाले टाइम के भी वीडियोज़ अपलोड हो जाएगियाँ, ठीक है। तुम एक्सपैक्ट करके चलो कि जोड़ा पेपर है थोड़ा वो मार्च के एंड या अप्रैल के फस्ट वीक तक हो जूगा, ओके। सो जोड़े बच्चे हूँ अप्लाई करेंगे अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, वीडियोज़ देखने के नाल थोड़ी अद्धे तो ज़्यादा तैयारी तो हो जानी है, पर ये तो पहला स्मार्ट वे वाली वीडियो पक्का देख लियो, तो नाल ही जिन्होंने अपने लैवल पर भी स्टडी करनी है जिमें कई होंगे कि असी थ्यूरी भी पढ़ीए चंगी तरीके नाल, उहदे लई भी थोनू हर सबजैक्ट के उपर टॉपिक वाइज वीडियो मिल जूगी मेरी, ठीक है। उन्होंने देख लो वो मैं पूरा एनालाइज करके पाया हुआ है कि पंजाब के किस तरीके दे नाल क्वेश्चन पाते हैं, कि टॉपिक्स चो पाते हैं, वो टॉपिक्स नू पहला इंपोर्टेंस दे के वो कंप्लीट करियो, तो बाद अपने लैवल पर तुसी जो पढ़ना तुसी पढ़ सकते हो, ओके। सो पूरी इन्फॉर्मेशन थोनू ओवली वीडियोज़ च मिल जूगी, ओवली वीडियोज़ नू जरूर देखो ये नाल, ठीक है। सो मैं डेट भी एक बार थोनू दिखा दा क्योंकि वो बहुत इंपोर्टेंट चीज़ है। देखो आ लिखा होया कि अप्लाई करन दी लास्ट डेट हैगी 20 फेब, तो फीस भरन दी हैगी 27। देखो एक गल ना मैं थोनू होर इत्थे दसना चाहनी हां, आपां की करदे हां फॉर्म नू जदों आपां अप्लाई करता, ठीक है, अप्लाई करन तो बाद आपां फॉर्म नू उदों तक एडिट कर सकते हैं अगर अपने तो गलती हो जाए जब तक कि आपां प्रिंट चलाउण दा ऑप्शन नहीं दब देंदे। जदों आपां ने चलाउण नू प्रिंट करन दा ऑप्शन दबता उस तों बाद आपां कोई भी एडिटिंग फॉर्म च नहीं कर सकते, पहली गल। हुण दूसरी गल की है, देखो हुण 20 दा वेट तो बिल्कुल ना करियो, क्यों, बिकॉज जिस दिन तुसीं फॉर्म फिल किया जिवें सपोज अज 13 है, मैंने अज फॉर्म फिल किया, ठीक है, फॉर्म फिल करन तो बाद जिहड़ा ते मैंने अज चलान भी जनरेट करता सपोज, ठीक है, फॉर्म फिल करके चलान जनरेट करता, तो चलान जदों भरन जावांगे बैंक दे विच उन्हां नूं एक दिन चाहीदा हुंदा है अपडेट होण दे लई, ठीक है, इहदे उपर। सो वो तो बाद फिर चलान भरन तो बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड करना होंगे, ठीक है, जो अपनी फी का आ गया कि हाँ साढ़े को पहुँच गई तो उत्थे अपडेट हो जाता होंगे फॉर्म के कि फी मिल चुकी है, ठीक है। सो तो बाद एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होंगे। सो 20 का वेट बिल्कुल ना करियो, वो तो पहला ही अगर हो सके तो 17-18 तक अपना फॉर्म भर दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आऊगी फिर, ओके। वो तो बाद हुण एक होर गल, जो प्रिंट चलान कर लिया फी भराती तो बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड जरूर करना है, ठीक है। कई बार आप खोल लेंगे ये नहीं समझ आता कि उन्होंने डाउनलोड किमें करिए, उन्होंने डाउनलोड करने का तरीका होंगे Ctrl+P दब के, Ctrl+P दबोंगे सेव का ऑप्शन आजूगा, उन्होंने सेव करके रख लो अपने को, ठीक है। वो तो बाद नैक्सट हूँ की करना है, जोड़ा अपना एप्लीकेशन फॉर्म है इनू पूरा अच्छे तरीके संभाल के रखियो, ठीक है, यही काम आता अपना अगे जाके काउंसलिंग वगैरह च। तो एक होर डाउट आता कि एप्लीकेशन फॉर्म नू भेजना उन्होंने PPSC वालों कोई जरूरत नहीं है, जदों कहेंगे जस्ट उदों भेजना है, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी मेरी वीडियोज़ च मिल जूगी, सो वाली वीडियोज़ देखो पूरी डिटेल सब कुछ पता लग जूगा, ओके। मेरे चैनल पर आने वाले टाइम के आप बहुत ही अच्छे तरीके असिस्टेंट सीनियर असिस्टेंट की तैयारी शुरू कर जा रहे हैं, ओके। सो बिल्कुल भी डरन की जरूरत नहीं है। कई बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम अगर असी हुण स्टार्ट करांगे साडा हो जूगा, पक्का हो जूगा, ठीक है, बस अपना अच्छे तरीके नाल पढ़ते रहो। सो मिलते हैं नैक्सट वीडियो दे विच, थैंक यू सो मच।